अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत है। एक टेबल हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया था, जीरो के रेफरेंस के से। जीरो टू एक स्पेसिफिक जेड की वैल्यू थी, वहाँ से एरिया फाइंड कर लेते थे। जैसे जीरो टू वन वो था 0.3413, एक टेबल आपको दिया गया था लास्ट टाइम। अब मैं एक और टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो एरिया फाइंड करने में हेल्प करेगा माइनस इन्फिनिटी टू स्पेसिफाइड वैल्यू। आप जेड की कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे -0.81 ले लें, तो इसका एरिया आपके पास ये टेबल देगा। आप जेड में जाएं, पॉइंट -0.8 और 1 के कॉलम में ये सेकंड डेसिमल प्लेस होता है, -0.81 इसकी वैल्यू बनती है 0.2090। तो ये बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक का एरिया आपको बताएगा, 0.2090। तो लिहाजा अगर आपने 1 तक का एरिया फाइंड करना है तो आप इसमें 1 में जाएंगे और वो एरिया आपको बेसिकली पीछे से सारा एक्यूमुलेट करता हुआ आपको बताएगा टेबल के। अगर 0 तक, अगर मैं इसमें 0 की वैल्यू ले लूँ कॉलम टेबल में, तो वो 0.5 आपको आंसर देगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक का एरिया 0.5 होता है। सो समझ लें अच्छी तरह कि इस टेबल को इस तरह से यूज़ करना है। कोई भी जेड की वैल्यू का शुरू से लेकर उस वैल्यू तक का एरिया आपको ये टेबल प्रोवाइड करेगा। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स करता हूँ, वो एग्जांपल्स आप करने के बाद आप कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हो, चाहे आप पहले वाला टेबल यूज़ कर लें या ये वाला टेबल यूज़ कर लें, लेकिन दोनों में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। कि कुछ क्वेश्चन बाज़ का बुक में इस टेबल के लिहाज से दिए जाते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप इसको समझ लें। और कभी कभी बुक्स में वो पहला वाला टेबल दिया होता है, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत कोई मुश्किल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से जेड तक का एरिया। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, मोस्ट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस रिक्वायर एप्लीकेंट फॉर एडमिशन टू टेक द ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल जीमैट एग्जामिनेशन। Scores on the GMAT are roughly normally distributed with mean of 527 and standard deviation 112. What is the probability of an individual scoring above 500 on the GMAT? Above 500 की probability find करनी है। ये देखें, probability we have to find the probability above 500. यानी x greater than 500। इसमें हमें जो गिवन है वो म्यू है, म्यू इज 525, ये था मीन ऑफ नॉर्मल इज 525 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें दिया हुआ है 112। तो जेड का फॉर्मूले में अप्लाई करें, जेड इस तरह होता है 500, ये वाला 500 माइनस मीन, मीन आपका 527 है और स्टैंडर्ड डेविएशन है 112। इसको जब हमने सॉल्व किया तो माइनस 0.24। तो ये दो डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि हमें टेबल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है, तो आप यहाँ से दो डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू ले लें, -0.24। तो -0.24 को आप ये बेसिकली एरिया आपको दिया गया है शुरू से लेकर यहाँ तक एरिया, ठीक है। ये मैंने दोनों एक्सेस शो कर दिए, यहाँ एक्स एक्सेस की वैल्यू पर और इसके साथ ही पैरेलल जेड एक्सेस हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। टेबल आपको जेड एक्सेस के लिहाज से आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा और हमें जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम ट्रांसफॉर्म करके हम आंसर ले लेते हैं और रिप्लाई कर रहे होते हैं उस पैरामीटर ऐसे वेरिएबल के बारे में। तो हमें मोर देन 500 की प्रॉपर्टी फाइंड करनी थी। ये देखें, अगर मैं एरिया शेड करूँ तो 500 से ऑनवर्ड ये एरिया शेड किया, इसको हमने फाइंड करना है। टेबल ने आपको बताना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -0.24 तक का एरिया। वो यहाँ देखें, -0.2 यहाँ से 4 माइनस 0.24, वो उसकी प्रॉबलिटी है 0.4052। तो आप जानते हो कि टोटल एरिया 1 होता है, 1 में से ये वाला जो अनशेडेड एरिया इस वक्त, इसको अगर आप माइनस कर लें तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। सो 1 माइनस 0.4052 इक्वल्स टू 0.5948। सो इसका आंसर बना 0.5948। तो ठीक है, इस टेबल को हमने यूज़ करते हुए कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर स्पेसिफिक वैल्यू तक का एरिया डिफाइन कर लें और जितना एरिया रिक्वायर्ड है वो आपने सोचना है पहले कि ये टोटल एरिया 1 होता है, 1 में से माइनस कर दो तो 0.5948 आ जाते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है।
पहले आप एक्स है उसको जेड में बदलेंगे, और वन माइनस ये जो इससे पीछे पीछे तक का एरिया माइनस कर दोगे तो इससे ऑनवर्ड एरिया हमें ये देगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर उल्ट भी हो सकता है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको प्रॉब्लम बता दी जाए और ये कहा जाए कि आप जेड की वैल्यू बताएं और फिर अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू बताएं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे देखें, हाउ हाई मस्ट एन इंडिविजुअल स्कोर ऑन द जी मैट इन ऑर्डर टू स्कोर इन द हाईएस्ट 5%, यानी हाईएस्ट 5% जो स्टूडेंट्स हैं वो किस स्कोर पर हाईएस्ट 5% है, यानी 95% आयल बेसिकली ये पूछ रहा है कि 95% आयल उससे आगे आगे का एरिया 0.05 है। तो आगे अगर एरिया 0.05 है तो इसको हम इससे पीछे तक का एरिया 1 में से माइनस कर लें 0.95। तो आपने अब टेबल में देखना है 0.95 कहाँ है इस पूरे टेबल में। आपने ये मैंने एक छोटा सा सेगमेंट सा दे दिया टेबल का, तो आप बेसिकली पूरा टेबल देखोगे उस टेबल में आपने वैल्यू फाइंड करनी है 0.95, 0.95 इन दोनों के बिटवीन आ रही है 0.495 और 0.9505 इन दोनों के बिटवीन है। तो हमें जेड जेड की वैल्यू ये मिलेगी 1.6, अगर ये होती है ना तो हम कहते हैं 1.64, बल्कि इन दोनों के बिटवीन है तो हम करेंगे 1.645, इसका सेंटर ले लें 1.64 और 1.65 दोनों की एवरेज लें तो वो बनती है 1.645, सो जेड इज इक्वल टू 1.1.645। ये देखें, अब पूछा ये गया था कि इससे ऑनवर्ड क्या वैल्यू होगी एक्स की, के आगे 5% लोग हों, नहीं टॉप 5% पर कौन सा स्कोर बनता है जी मैट का स्कोर, तो उसको फाइंड करने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है, दिस इक्वल्स टू 0.05, इसको मैंने शेड कर दिया। और दिस इम्प्लाइज कि हमें इसको जब जेड में कन्वर्ट करना है तब भी वो प्रोबेबिलिटी वही रहेगी। सो जेड के लिए इससे पीछे का एरिया, इस पॉइंट से इससे पीछे का एरिया वो बनता है 0.95। 0.95 को हमने जब एरिया में देखा एरिया टेबल में तो उसके अगेंस्ट जेड की वैल्यू ये मिली 1.645, और 1.645 को आप जेड के फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। देखें जेड इज इक्वल टू होता है इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो उससे आप एक्स निकाल लें। आप नोटबुक पर लिखें, राइट डाउन करें जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो यहाँ से एक्स होगा म्यू प्लस जेड सिग्मा, तो म्यू आपका 527 है और जेड आपके पास 1.645 है और सिग्मा है 112। इसको सॉल्व करने के बाद 711.24। सो इस वैल्यू से ऑनवर्ड जो जो टॉप जो 5% है, हाईएस्ट 5% यहाँ से स्टार्ट होता है 711.24 वैल्यू अगर स्कोर है तो इससे पीछे पीछे 95% लोग हैं। ये 95% के तौर पर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसीज फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ अप्रोक्सीमेट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 266 डेज एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 16 डेज। What proportion of all pregnancies will last between 240 and 270 days, roughly between 8 and 9 months? So, इसमें normal distribution इसका mean दिया हुआ है 266, ये देखें 266 और standard deviation given है आपको 16, तो basically पूछा ये गया है कि इन दोनों के between क्या probability है 240 and 270, ये देखें 240 and 270। सो आपने इसी एक्स को जेड में कन्वर्ट कर लें, जेड में इस तरह से कन्वर्ट होता है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये दो वैल्यूज आ गई, दोनों को यहाँ प्लेस करें और अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि एक वैल्यू मिली है आपको -1.63, दूसरी वैल्यू मिली है 0.25। सो एरिया आपको यहाँ से पीछे का एरिया बताएगा ये टेबल, जैसे अगर मैं चाहूँ 0.25 का एरिया, ये 0.2 यहाँ से 5 ये एरिया मिला है 0.5987 और इससे पीछे तक का एरिया ये, और इन दोनों के बिटवीन एरिया हमें रिक्वायर्ड है, तो इस पॉइंट से पीछे तक का एरिया
-1.63 वो ये है 0.0516, यानी ये एरिया है। सो अब गौर करें कि इस एरिया, ये ओवरऑल एरिया है, इसमें से ये आप माइनस कर दें तो ये बिटवीन एरिया आ जाता है। तो यही किया गया है, 0.5987 -0.0516 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। गौर कर लें कि इस पॉइंट से पीछे तक एरिया टोटल 0.5987 है और इस पॉइंट से पीछे तक एरिया 0.0516 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बिटवीन एरिया मिलेगा आपको। सिमिलरली व्हाट लेंथ ऑफ टाइम मार्क्स द शॉर्टेस्ट 70% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज। उसी क्वेश्चन का फर्दर एक पार्ट है कि 70% अगर उस पर किस वैल्यू पर 70% ये डाटा कंप्लीट होता है। म्यू इज दिस, सिग्मा इज दिस, तो ये देखें 70% इस तरह से कंप्लीट है 0.70, इस 0.70, 0.70 के अगेंस्ट। अब टेबल में जाओ, टेबल में देखो कि 0.7 करीब करीब कहाँ है, 0.52 के करीब है। तो z की वैल्यू 0.52, यहाँ से आप x फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा z, तो वो वैल्यू आप यहाँ से हासिल कर सकते। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बिटवीन एरिया पूछा जा रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ एकर्स बर्न बाई फॉरेस्ट एंड रेंज फायर्स इन अ लार्ज न्यू मैक्सिको कंट्री इज 4,300 acres पर ईयर विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 750 acres। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एकर्स बर्न इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बिटवीन 2,500 एंड 4,200 acres विल बी बर्न इन एनी गिवन एरिया। सो आपको व्यू दिया है ये 4,300 और सिग्मा है 750, ये देखें सिग्मा 750 है और आपको पूछा ये जा रहा है कि इसके बिटवीन क्या प्रॉबलिटी है। अब इसको जेड में कन्वर्ट करें और ये जेड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो आप एरिया इस तरह फाइंड करेंगे इस टेबल को यूज़ करते हुए, कि जब मैं कहता हूँ -0.13 से एरिया इस टेबल को यूज़ करते हुए वह है 0.4483, तो यहाँ वो शो नहीं किया गया टेबल में, लिहाजा आप टेबल अपना निकालें और उसमें से फाइंड कर लें। -0.13 का एरिया है 0.4483 और -2.4 वो दिखाया गया यहाँ 0.0082, तो 0.0082 ये एरिया माइनस कर दो तो ये बिटवीन एरिया आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपने इस टेबल को यूज़ करते हुए बेटा जितने भी हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उनको भी ट्राई करें। क्या आप दोनों टेबल्स पर कमांड हासिल कर चुके हैं? आप दोनों हर क्वेश्चन को दोनों टेबल के साथ प्रैक्टिस करें तो ताकि आप में कमांड हासिल हो सके, ठीक है? तो हेजिटेट नहीं करना, उस टेबल को भी यूज़ करो, इस टेबल को भी यूज़ करो। सो ट्रिकी, सो सिंपल, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है इस टेबल को यूज़ करते हुए। आगे मैं आपको एक फ़ाइल इसके बाद शेयर कर दूंगा, PDF की फ़ाइल, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो देख लीजिएगा, कुछ अनसॉल्व होंगे वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। कहीं आपको अटैम्प्ट करने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझे फ्रैंकली पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो तब तक आपने ये टेबल, ये 4-5 स्लाइड्स मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि इस टेबल को कैसे यूज़ करना है। पहला टेबल हमने अच्छी तरह यूज़ किया हुआ है, ठीक है? अपना ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज़।